हेलो मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो मेरे भाई लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि मैं आज बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। क्योंकि आज फाइनली, मतलब बहुत ही महीनों बाद, मैं जसिंटा के लिए कुछ लाइफ में प्लान किया है और उसको उस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। जैसे मतलब फिल्मों में कहते हैं ना, पतिदेव अपनी बीवियों को सरप्राइजेस देते रहते हैं, तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ जसिंटा के लिए प्लान करते हैं। तो आज मैं फाइनली कर पाया हूँ आप लोग की कृपा से, आप लोग की मेहरबानी से। तो आइए दोनों मिलकर गिफ्ट देते हैं जसिंटा को। पहले आपको दिखा दूँ क्या है, देख रहे हो बैग? ये बैग ऐसा वैसा बैग नहीं है गाइस, इसमें वो चीज़ है जो लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, गोल्ड। ठीक है, तो आओ चलते हैं जसिंटा का रिएक्शन देख के आते हैं, जसिंटा का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हमने क्या लिया। आओ चलते हैं। मैंने शादी के बाद तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था गाइस, तो अब देखते हैं। हेलो, उड़ गया हूँ मैं। लेकिन मैंने बेचारी के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन देखो कभी बुरा नहीं मानते, कितनी प्यारी। भगवान नहीं, ऐसी बीवी तो मेरे पास ही है, बस ऐसे गुणों वाली सबको दे। ठीक है, तो आपके लिए कुछ प्लान किया है मैंने। अच्छा, कुछ प्लान किया है? कुछ भी रहने दो, कुछ भी बकवास कर रहे हो, कुछ ना किया होगा तुमने प्लान। मैं तुम्हारे लिए बस प्लान करती रहती हूँ, खाना बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, तुमने कभी कुछ ना प्लान किया। आए बड़े भाई, मैं बहुत ना टच्ड फील कर रहा हूँ, बहुत ही इमोशनल हो गया। तुम मेरी अर्धांगनी, तुम मेरे बेटर हाफ हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा ही हाफ क्यों चलता है? मेरी तरफ से शादी के बाद सच में लोगों का वेट बढ़ता है, मेरा घट गया है, सच में हाफ हो गई हूँ मैं इनके साथ रहते रहते। लेकिन देखो, आज मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ना बहुत सारी खुशियां प्लान करूं, तुमको जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है तुमको दूं। याद है तुम शादी से पहले मेरे से बहुत ज्यादा एक चीज मांगा करती थी, क्या थी बताओ? प्यार के अलावा। झूठ तो बोलो मत, झूठ बोल रहा है बंदा। अच्छा, मेरे अलावा आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? शॉपिंग में सबसे ज्यादा क्या? कुछ भी करा दो यार, परफ्यूम करा दो, ड्रेस ले सकते हैं और कुछ फुटवेयर ले सकती हूँ। ये सब छोटी मोटी बातें, देखो मेरी बीवी अभी भी देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है, केवल 1000, 2000, 5000 वाली बातें कर रही है। और क्या बोलूं, मुझे क्या पता तुम क्या प्लान कर रहे हो मेरे लिए। चलो और दिखा देते हैं यार। ठीक है, दिखा दे गाइस। चलो, और कुछ दिया नहीं था तुमने? ओह माय गॉड, क्या बात है, सच में लाया हो कुछ? कैसा लग रहा है? ये तो बाहर खोल तो लूं, मुझे क्या पता अंदर क्या है। आओ अंदर बैठे खोलते हैं आराम से। हां चलो, अब मेरी बीवी और मैं अंदर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने जाएंगे। And I hope उसको पसंद आ जाए। भैया पैसे खर्च हो गए बहुत सारे। तो मेरी प्यारी बीवी अनबॉक्सिंग करने वाली है, अनबॉक्सिंग करो बाबा। क्या बात है यार, क्या होगा इसमें? रिंग लाए हो? हाँ, रिंग है तुम्हारे लिए। ओह वाओ, कितने सुंदर है यार। क्या है दिखाओ? बहुत सुंदर है। क्या है डब्बे के अलावा, क्या है? ओह वाओ, बहुत प्यारे हैं गाइस, अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर है। क्या बात है, तुम अपने आप चले गए थे लेने के लिए? और क्या, मुझे तो गोल्ड का मजा आता है। हाँ, बहुत प्यारे डिजाइन, बहुत सुंदर डिजाइन है यार, अच्छा लग रहा है। खुश हो? हाँ। देखो कानों पे लगा के तो दिखाओ कैसा लग रहा है। अरे अभी तो मैंने पहन रखे ना ऑलरेडी, तो मेरे को चेंज करने पड़ेंगे। ये देखो गाइस, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं गाइस आपको मेरा आइडिया कैसा लगा ये गिफ्ट करने का, और ये कैसा लगा, तनिष्क से लिया था हमने ये। बहुत सुंदर, प्यारा सा लग रहा है। तो अब तो ये कहोगे ना मेरा पति भला है बुरा है, जैसा भी मेरा पति मेरा देखता है, ये बोलोगे ना? नहीं यार, मैंने वैसे भी कभी नहीं बोला है, तो अच्छी बात है तुमने मुझे गिफ्ट किया, थैंक यू। चलो फ्रूट्स खाते हैं यार, आजो। चलो अब बारी आ गई हमारे फ्रूट्स खाने की। चलो, क्या है इसमें? सेब है, कीवी है और संतरे है। हाँ, ऑरेंजेस हैं और बाकी मैंने काटे नहीं, पहले ये तो फिनिश करो। तुम इतने सारे जब से वो बास्केट लेके लाए, कोई बात पड़ा हुआ रखा हुआ है हमारे पास। तो भाइयों, जैसे कि आपने देखा जसिंटा को हमारा गिफ्ट पसंद आ गया है, तो भाई हम अपना जीत गए जो हमने सोचा था। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।